दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का 64वां लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 64 लेक्चर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। बहुत डिटेल से मैं आप सभी को बताने वाला हूं और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो कवर कर रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्री यानी उद्योग। उद्योग चैप्टर का ये आई थिंक चौथा लेक्चर है, और जिसमें हम लोग पहले भी लौह इस्पात उद्योग हो गया, आपका एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गया, और आज जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या कुछ खास है, बड़ा मजा आने वाला है। और धीरे धीरे जो हम लोग का सब्जेक्टिव प्रोग्राम है वो काफी अच्छा चल रहा है, और जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं वो घर बैठे बेहतर स्टडी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है। बहुत सारे लड़के अभी भी ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत जल्द यहां पर एनसीईआरटी की क्लास भी आने वाली, जो आपके यूट्यूब पर नहीं आएगी, सीधा इस एप्लीकेशन पर क्लास आएगी, जिसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपना एनरोलमेंट कराना है। पूरी तरह से फ्री होगा वो कोर्स, लेकिन आपको एप्लीकेशन के प्रोग्राम से जुड़ना होगा, तभी आप जो है एनसीईआरटी की क्लास का मजा ले पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, पढ़ने के लिए हजारों चीजें हैं और आराम से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में वस्त्र उद्योग, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में शायद बताना भूल गया था, कई तरह के उद्योग होते हैं। कई होते हैं कृषि आधारित उद्योग होते हैं, कई होते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जिसमें लौह इस्पात उद्योग जो मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि कच्चे माल में जो है उसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती, हो सकता है कि उसके लिए आईएस की जरूरत पड़े। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री ऐसे हैं जो जहां पर खादान है इसको के वहां पर बने हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आपको पता होगा दो तरह के इसके एस होते हैं, एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। तो जहां पर इन तरह के एस पाए जाते हैं वहीं पर ये कंपनियां जो है या इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश हो गई हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कच्चे माल के रूप में कोयले का बड़ा इस्तेमाल होता है, तो कोयला वाले क्षेत्रों में भी जो है इस तरह की इंडस्ट्री जो है पनप गई है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो यहां पर भी वही चीज दे रहा कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन उद्योगों की स्थिति क्या है। अगर हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें बहुत सारे उद्योग आते हैं, कृषि आधारित उद्योगों में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इनको कच्चा माल का जो स्रोत होता है कृषि होता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आज हम सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं, तो सूती, अगर मैं इस कपड़े की बात करूं, तो कपड़ा जो है ये धागे से बना हुआ है, और ये जो धागा है वो किससे बना हुआ है, वो कपास से मिलकर बना हुआ है। किससे? कपास से। और कपास की तो खेती होती है, कपास की खान तो होती नहीं है, कपास की होती खेती। इसका मतलब एक कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। लाइक जो हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में, आप पटसन उद्योग के बारे में देखेंगे, इससे जो है रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति तेल, चीनी मिल हो गया, ये सभी क्या है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, एक बात याद रखेगा, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यह है कि सबसे ज्यादा खपत कपड़ों की है कि नहीं, और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार जो मिला हुआ है वो भी इस इंडस्ट्री में मिला हुआ है। तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़े, वैसे लौह इस्पात उद्योग का भी नाम आता है प्लस इसका भी नाम आता है, तो याद रखेंगे सबसे बड़े उद्योगों में से एक माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। आगे दे रहा, भारत में सूती वस्त्र की जो पहली मिल थी वो सन 1818 में लगाई गई थी कलकत्ता के ग्लासगो में, ठीक है। एक मिल था ग्लासगो कर रहा हूं, ग्लास्टर नाम है, फोर्ट ग्लास्टर, ठीक है, ये कलकत्ता में है, उसके समीप ये पहली मिल लगाई गई थी 1818 ईस्वी में। 1818 का टाइम पीरियड आपको याद आ रहा है? कुछ बताइए भारत के इतिहास में कौन सी घटना घटी थी 1818 के आसपास। अरे एग्जैक्ट मत याद करिए, थोड़ा सा कुछ तो सेंस लगाइए। हां सर, उस समय आई थिंक सर राजा राम मोहन राय जी का समय था, सर आपने पढ़ाया है 1815 में सर हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया था, बिल्कुल सही। सर 1828 में उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, बिल्कुल सही। यानी यह समय जो था ये राजा राम मोहन राय जी का समय था। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो याद रखेगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो पहली मिल थी वो 1818 याद करने में मजेदार है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, ये मामला है 1818 का। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, वो मिल सक्सेसफुल नहीं थी, एक सफल मिल के तौर पर नहीं थी, बाद में वो मिल बंद हो गई। दोबारा से 1854 में, आपको याद होगा दोस्तों 1854 का समय
किसका चल रहा है, डलहौजी का टाइम चल रहा है। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने, याद आया कुछ आपको, याद आया कि नहीं, तो याद रखेगा। तो 1854 में याद रखेगा ये सूती वस्त्र मिल का पहला कारखाना लगाया गया, जो कि एक सफल कारखाने के रूप में था, और यह भी लगाया गया था बंबई में। कावसाजी नाना भाई नाम था इनका, जिन्होंने इस फैक्ट्री को लगाया था, ठीक है, कावसाजी नाना भाई डावर, तो उनके द्वारा यह कंपनी स्थापित की गई थी 1854 में। दो डेट मैंने बताया, एक 1818 में जो असफल थी, दूसरा 1854 में लॉर्ड डलहौजी का समय चल रहा था। लॉर्ड डलहौजी उसमें क्या था, भारत का क्या था, वायसराय, नहीं वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आए हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और भारत के पहले वायसराय भी थे। क्यों, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके इंग्लैंड की महारानी का शासन यहां पर स्थापित हो जाता है। सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए। देखिए हम भले ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें विषय को जोड़ करके पढ़ना है। मुझे पता है कि आपको डेट नहीं याद होता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसी समय को इस तिथि से, तब जाकर आप याद कर पाओगे। आगे लिख रहा है सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने, अगर हम कारखाने की बात करें कि सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर हैं, तो याद रखेगा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये वे स्थान है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग के सबसे ज्यादा कारखाने पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कारखाने हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा कुछ प्रश्न आपसे स्पेशल पूछता है, जैसे पूछता है भारत का काटनोपोलिस किसे कहा जाता है, भारत का काटनोपोलिस, तो कॉटन की जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है वो है मुंबई में, पर है मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई का वैसे भी बड़ा नाम है, ठीक है, तो याद रखेगा इसको भारत का काटनोपोलिस कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुजरात का जो अहमदाबाद है वो एक तरह से सूती वस्त्र उद्योगों का हब है। हब जानते हैं ना, हब मतलब इस अहमदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मतलब केवल कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े ही कपड़े, जहां देखो वहां कपड़े ही कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, आप कभी जाइए अहमदाबाद, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां कितनी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी हुई है, तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब एक प्रश्न और कभी तोड़ के पूछ देता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जैसे तो भारत का मैनचेस्टर है, उसी तरह से पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयंबटूर का कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोयंबटूर भी कॉटन मिल इंडस्ट्री का हब माना जाता है, ठीक है, वहां भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां टेक्सटाइल वाली, तो याद रखेगा यह हो जाएगा दक्षिण भारत का। उसी तरह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, किसको कहा जाता है, कानपुर को, तो उसको भी आप याद रखेगा, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर है, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, और भारत का काटनोपोलिस बंबई है, और उसके अलावा पूर्व का बोस्टन भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। ये पांचों पॉइंट यहां के बड़े इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करा सूती वस्त्र उद्योग में देखिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है, वो है कच्चे माल की उपलब्धता किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री जानते हैं ना, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री, भाई अगर आपने फैक्ट्री खोल रखा है तो आप वहां मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कच्चा माल, क्योंकि कच्चा माल अगर नहीं होगा तो बनाओगे क्या, अगर कॉटन ही नहीं होगा तो बताओ बनाओगे क्या, तो इसलिए दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे लिख रहा है बाजार की निकटता, अरे बना के बेचोगे कहां, तो बाजार भी तो निकट होना चाहिए, तो बाजार की निकटता, और फिर ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें पैसे बड़े लगते हैं तो पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की उपलब्धता, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना, अपने सामानों को विदेशों में भी बेचना है, तो बंदरगाह की व्यवस्था, और उसके अलावा सस्ते और कुशल श्रमिक, दोनों टाइप के श्रमिक, यानी जो लेबर हैं वो भी आपको चाहिए, और जो स्किल्ड लेबर हैं वो भी आपको चाहिए, दोनों तरह के लेबर जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, तो कह रहा सस्ते और कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ये सभी सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। यानी अगर आपको सूती वस्त्र का कारखाना बनाना है तो कम से कम इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कॉमन सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही सारे लोग, यही जो सारी कारक है ना, ये हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। भाई किसी को लौह इस्पात उद्योग बनाना उसके लिए नहीं चाहिए, हाँ सभी के लिए चाहिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। करें वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य। अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे, अब प्रश्न जो आपसे पूछता है यहां पे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रश्न बनता है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपसे पूछे भाई भारत में वह स्थान बताइए जहां पर सबसे ज्यादा मिल है,
क्या पूछ रहा है? मैंने आपसे ने कहा कि कहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा कम की बात करेगा तो महाराष्ट्र के काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली आपसे पूछ रहा हूं कि मिल कहां पर ज्यादा है, कहां पर मिल ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मिल, सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। इसको आप गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला लाइन, और याद रखिए कोयंबटूर जो है वो इसीलिए भारत में जो है कॉटन टेक्सटाइल का हब माना जाता है, क्योंकि कोयंबटूर जो स्थान है उसके आसपास में बहुत ज्यादा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैली हुई है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। करा इसके अतिरिक्त, और याद रखिए यही पर क्यों है, तो याद रखिए जहां भी कॉटन इंडस्ट्री होगी वहां पर नम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अगर जलवायु उष्ण होगी यानी आर्द्र जलवायु होगी, यानी उसमें क्या होगा, सॉरी आर्द्र नहीं, आर्द्र तो चाहिए ही, अगर शुष्क वातावरण होगा तो शुष्क वातावरण में क्या होता है कि धागे टूट जाते हैं, और धागा ही सब कुछ होता है। तो याद रखिए इसलिए शुष्क वातावरण इसके लिए खराब माना जाता है, क्योंकि इसमें धागा जल्दी टूट जाता है, नम वातावरण में धागा नहीं टूटता है, तो नम जलवायु की आवश्यकता भी पड़ती है। करा तीन मुख्य कारक दे रहा है, एक तो विशाल बाजार, दूसरा प्रचुर कच्चा माल, ठीक है, तीसरा विदेशों से मशीनों का आयात निर्यात, और कल पुर्जों के आयात की सुगमता भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। जाहिर सी बात है आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो बिना मशीनों के जो है स्पीड में काम नहीं किए जा सकते, जिसको जरा आप ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा भारत में अधिक जनसंख्या है, जाहिर सी बात है कोई बताने वाली बात नहीं, पूरे दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है, चीन के बाद भारत का नंबर है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो याद रखेंगे, कह रहा भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्र उद्योगों का एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा बाजार है। और मुझे ऐसा लगता है आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताओ आपको सबसे ज्यादा अगर आप जीवन में कोई चीज परचेज करते हैं बाहरी, तो क्या करते हैं आप? कपड़े ही परचेज करते होंगे भाई। घड़ी व्यक्ति एक बार के लिए परचेज करता है, या आपने अब तक के समय आपने बहुत किया होगा 3-4 घड़ी परचेज किया होगा। शूज वगैरह भी व्यक्ति क्या करता है, बहुत लिमिटेड परचेज करता है। बाकी कैमरा मोबाइल फोन ये भी बहुत लिमिटेड चलता है। लेकिन कपड़े, कपड़े एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आवश्यकता है जो व्यक्ति का कपड़ा पुराना हुआ नहीं, फटने का इंतजार नहीं करता, अगर उसे कुछ पसंद आ गया तो तुरंत परचेज कर लेता है। यानी भारत में फैशन इंडस्ट्री या जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है ये बड़े तेजी से जो है चल रही। यही रीजन है कि बाजार में आपको कपड़े की दुकान औसत से ज्यादा दिखाई देने को मिलेगी, ठीक है। आप किसी बाजार में जाइए, कपड़े की मार्केट खूब आपको मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों को कपड़े बड़े प्रिय होते हैं। लिख रहा है कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि जो लोग रोजगार मिला हुआ है, भाई देखो इसके जो इंडस्ट्री है वहां पर देखो इसमें रोजगार कहां कहां मिला हुआ है। मैं आपको मेन चीज से ले, अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको कपड़े की दुकान दिखेगी, वहां पर मैनेजर से लेकर जो सेल्समैन वगैरह है उनको रोजगार मिला हुआ है। इस कपड़े को जो पहुंचा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है वो पूरा बिजी है। इसके बाद जिस दुकान से आप होलसेल खरीद रहे हैं उस दुकान पे तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जो पीछे की फैक्ट्री है उनको भी रोजगार मिला हुआ है, और उनको जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो कपास से होती है, तो कपास की तो खेती होती है ना। कपास को भारत में सफेद सोना कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछता है, तो आप प्रश्न के बारे में सब जानते रहिए, सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो याद रखिए सफेद सोना, तो भाई कपास को भी उगाया जाता है, तो किसान भी आ गया, उसको भी रोजगार मिला है। मतलब एक ऐसा ये सेक्शन है, एक ऐसा सेक्टर है जो शुरू से लेकर आखिरी तक लोगों को रोजगार दिए हुए, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है किसी के बाद वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जहां सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त है। लिख रहा भारत सरकार द्वारा, एक मिनट रुक जाइए, मार्कर ले लिया जाए। लिख रहा भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का भी गठन किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम का भी गठन किया गया, ताकि सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बारे में सरकार जो है नई नई नीतियां बना सके, जो कि फैक्ट्री वालों के लिए या जो निर्माता हैं उनके लिए काफी आसान हो। लिख रहा मुंबई हो गया, मुंबई तो हब ही है, अहमदाबाद हो गया, ये भी हब है। आप देख लिए भाई, मुंबई को कॉटन पोलिस कहा जाता है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कलकत्ता भी कपड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कपास की अवेलेबिलिटी हो जाती है,
प्लस बंदरगाह वगैरह है, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बैंगलोर है, जयपुर है, अमृतसर है, ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, भारत में प्रमुख केंद्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे लिख रहा दोस्तों, अभी एक एक राज्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लिख रहा औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह इंडस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें 12 लाख श्रमिकों को संगठित क्षेत्रों में रोजगार मिला हुआ है। जो संगठित क्षेत्र है भाई, यहां पर अलग अलग, अगर मैं कृषि को उठा लूं तो वहां लोगों को रोजगार मिला हुआ है, संगठित क्षेत्रों में कुछ परसेंट लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर क्षेत्र के लोगों में यह रोजगार मिला हुआ है। कह रहा है जो भारत के औद्योगिक श्रमिक का 18% जो श्रमिकों को रोजगार तो केवल कहां मिला हुआ है, याद रखिए इस वस्त्र उद्योग में मिला हुआ है। कह रहा है इसके अलावा लगभग 67 लाख श्रमिक जो हैं वो हैंडलूम और पावरलूम उद्योगों में भी काम कर रहे हैं, वो भी तो इसी का पार्ट है। अगर हम बात करें कपड़े इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये भी तो इसी का पार्ट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कपास, धागा, वस्त्र उत्पादन में यह 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए हुए, ठीक है, तो याद रखेगा। औद्योगिक उत्पादन में भी इसका योगदान कितना है, कुल 14% का इसका योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है देश की, उसमें भी इसका जो योगदान है वो 4% का उद्योगों का योगदान है और विदेशी आय में 13.5% का योगदान है। तो कहीं ना कहीं कपड़ा इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देने के साथ साथ हमारे GDP में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, विदेशी मुद्रा बढ़ाने में भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे लिख रहा है इस उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का जो गठन हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके साथ ही साथ एकीकृत टेक्सटाइल पार्क की योजनाएं भी शुरू की गई, कई सारे राज्यों में स्टार्ट हुई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क जो बनाया गया है वो जयपुर के नजदीक एक जगह है बगरू, कौन सा जगह है बगरू, उस जगह पर इसको टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है, ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर मैं राज्यों के परिपेक्ष में बात करूं तो महाराष्ट्र की बात करता हूं। भाई आपने देखा मुंबई को जो है कार्टनोपोलिस कहा जाता है, बंबई जो है सबसे ज्यादा योगदान देता है, क्यों, क्योंकि भारत में अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर दें तो वो सूती वस्त्र उद्योग में सबसे आगे है। यह कुल 38% सूत तैयार करता है, केवल सूत तैयार करता है, सोचिए कपड़ा कितना तैयार होता होगा। कह रहा है कि उद्योग मुंबई को उद्योग के पूर्वारंभ और कच्चे माल की निकटता, दक्ष श्रम, पूंजी की अवेलेबिलिटी, पत्तन हो गया यानी बंदरगाह हो गया, परिवहन हो गया, बाजार हो गया, समुद्री जलवायु की जो सुविधाएं हैं, जो कहा गया आपसे कि नम जलवायु की जरूरत पड़ती है, वो सब यहां पे पूरा हो पाता है। इस वजह से महाराष्ट्र को हब माना जाता है, इसको कॉटनोपोलिस कहा जाता है बंबई को, ठीक है। कर राज्य के अन्य प्रमुख केंद्र, भाई महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, उसमें मुंबई के अलावा और कौन कौन से जगह है जहां पर सूती वस्त्र के कारखाने बने हुए हैं, तो याद रखें मुंबई तो मेन है, सोलापुर का नाम सुना होगा, पुणे का नाम सुना होगा, नागपुर का नाम सुना होगा, सतारा का नाम सुना होगा, जलगांव का नाम सुना होगा, वर्धा का नाम सुना होगा, वर्धा प्रस्ताव सुना है ना, तो याद रखें अकोला हो गया, कोल्हापुर, कोल्हापुर चप्पली, कोल्हापुरी चप्पल नाम सुना है ना, सांगली हल्दी का नाम सुना होगा, ये सभी वस्त्र उद्योग के केंद्र है, सतारा वगैरह हो गया, तो ये सभी जो है महाराष्ट्र के स्थान है जहां पर वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से गुजरात की बात करें तो गुजरात दूसरे स्थान पर आता है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है, तो लिख रहा है कि भारत में गुजरात भी सूती वस्त्र उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा स्थान देता है। यह देश में 7.5% सूती धागा और लगभग 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार करता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे लिख रहा है अन्य जो जगह है गुजरात में कौन कौन से हैं, अहमदाबाद तो ही है, बड़ोदरा का नाम सुना होगा, बड़ोदरा में रेल इंडस्ट्री बनाई गई थी, याद है आपको, बड़ोदरा में ही रेल इंडस्ट्री बनाई गई थी, बड़ोदरा हो गया, सूरत हो गया, सूरत में दोस्तों याद रखेगा, सूरत में वो है आपका क्या बोलते हैं, हीरा संस्थान है, केंद्रीय हीरा संस्थान कहां पर है, सूरत में, तो उसको याद रखेगा। इसके अलावा भरूच हो गया, भरूच, उसको भी ध्यान दीजिएगा, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, महात्मा गांधी का जन्म ही हुआ था, कलोल हो गया, नादियाड़ हो गया, मोरवी हो गया, वीरमगांव हो गया, ये सभी वह स्थान हैं जहां वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तमिलनाडु जो है दोस्तों वो तीसरे स्थान पर आता है। लिख रहा देश का 42.5% कारखाना कहां पर है, वो तमिलनाडु में। भाई कारखाने के मामले में तो तमिलनाडु पहले स्थान पर ही है, वो आपको बताई दिया गया। कह रहा वस्त्र उत्पादन में 9.5% का योगदान इसका है, यहां से कच्चा माल वही सारी चीजें सबके यहां पर है जो है, ठीक है। कोयम्बटूर, यहां याद रखिएगा आप, तमिलनाडु में कोयम्बटूर सबसे बड़ा हब है, ठीक है, जिसको दक्षिण
डेनमार्क का मैनचेस्टर कहा जाता है। लिख रहा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे कोयम्बटूर हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु तो आपका कर्नाटक में आ जाता है, मदुरई हो गया, तिरुनवेली हो गया, तूतुकुडी हो गया, सेलम, ठीक है, तंजावरी हो गया, रामनाथपुरम हो गया, ठीक है, विरुधनगर हो गया, उदुमपलेट हो गया, पोल्लाची हो गया, तूतीकोरिन हो गया। तो इन सभी जगहों का नाम भी आप याद रखिए, कुछ जगह जो इंपॉर्टेंट है उनको आप याद रखिए, बाकी के जगह एग्जाम टाइम में रिपीट कर लिया करिए, ठीक है। लेकिन जो सीरियल क्रम है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1818 1854 सबसे ज्यादा मिल तमिलनाडु में है, पहला स्थान ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र का पहला है, गुजरात का दूसरा है, तमिलनाडु का तीसरा है। हर राज्यों में जो मेन जगह है, कम से कम 2-4 मेन जगह, ये आपको मोटी मोटा याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे लिख रहा है उत्तर प्रदेश में कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दिया है, करा इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है, और अन्य जगह कौन कौन सा, जैसे कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मोदी नगर हो गया। मुझे कॉल आता है मुरादाबाद से, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टडी 91 के जो फॉलोअर हैं वो मुरादाबाद के हैं, ठीक है। तो जो लोग भी होंगे एक बार कमेंट करेंगे तो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मोदी नगर हो गया, हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, आगरा में चमड़े का काम भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, रामपुर हो गया, इटावा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया। तो इन सभी स्थानों का नाम आप याद रखिएगा। इसी तरह से पश्चिम बंगाल भी हब एक तरह से है, क्योंकि वहां पर जितने भी कच्चे माल हैं वो आपूर्ति हो जाती है, नम जलवायु मिल जाती है, बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है, परिवहन की सुविधा मिल जाती है, खास करके जो फैंसी कपड़े हैं उनका एक बहुत अच्छा हब है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता याद रखिएगा। लिख रहा है कि कोलकाता है, कोलकाता को आर्द्र जलवायु, रानीगंज से कोयला, घनी जनसंख्या से श्रमिक और रसायन उद्योग से धोने और रंगने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है, कलकत्ता में बंदरगाह की सुविधा भी मिल गई जिससे आयात निर्यात की सुविधा मिल जाती है। वस्त्र उत्पादक जो केंद्र हैं जैसे कोलकाता हो गया, आपका हावड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है, घुसरी हो गया, सौकिया हो गया, मैरीग्राम हो गया, श्रीरामपुर हो गया, फुलेश्वर हो गया, ठीक है। तो ये सभी जगहों का नाम आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत मात्रा में कपास अवेलेबल रहता है और जो है श्रमिक मिल ही जाते हैं, खास करके जो श्रमिक हैं वो ज्यादा सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी हुई है, जैसे इंदौर में है, ठीक है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, ग्वालियर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ग्वालियर को जो है किलो का शहर कहा जाता है, ठीक है, भव्य किले यहाँ पर हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर है, उज्जैन हो गया, नागदा हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप देवास से भलीभांति परिचित होंगे, ठीक है, और भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, बुरहानपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, रतलाम हो गया और मंदसौर हो गया, वो स्थान है जहां पर वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। और पंजाब में भी लुधियाना हो गया, लुधियाना वगैरह खासकर दोस्तों ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है, लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा, ये सभी ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आगे की क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं अगले 10 लेक्चर में हम लोग जो है ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और इंडस्ट्री के नाम पर मुझे लगता है 2 से 3 पार्ट और आएगा, आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है समाप्त हो जाएगी उतने में, और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे एक अलग चैप्टर पर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, एक नए चैप्टर पर जाएंगे और उसको भी हम लोग पढ़ा जाएगा। तो निवेदन दोस्तों सिर्फ इतना है कि स्टडी 91 पर देखिए सभी विषय आपको डिटेल से पढ़ाए जा रहे हैं। हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। देखिए हमारा कोई कंपटीशन नहीं, मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता, मैं हमेशा ये सोचता कि बच्चों को क्या जरूरत है, उनको क्या दिया जाए, आपकी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। और कोशिश यही करिए कि ये चैनल आगे बढ़े, क्योंकि आप हमारे परिवार के एक मेंबर जैसे हो, तभी जो हम लोग एक दूसरे से अटैच हैं और पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। आप जरूर किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, या फिर आप जो है आपका कोई ना कोई फेसबुक पेज होगा, या फिर आपकी फेसबुक जो आईडी है उस पर भी आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोग देखें। देखिए आप मत सोचा करिए कि आपके शेयर करने से हो क्या रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, आपका जो फर्ज है आप अपना फर्ज निभाइए, आगे का मत सोचिए। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं नहीं देखता हूं कि मेरा वीडियो कितना प्ले हो रहा है, मेरा जो फर्ज है, मेरा फर्ज है पढ़ाना, ठीक है, मैं बड़े पेशेंस के साथ पढ़ाता हूं, ये वीडियो कितना प्ले होगा, लोग इस पर क्या रिव्यू देंगे वो अपनी जगह है। अगर मैं बेस्ट कंटेंट देता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, मेरी बातें आपको समझ में आएंगी, तो आज नहीं तो कल लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, आराम से देखेंगे। तो दोस्तों निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर से करिए,
लोगों को बताइए, एक दूसरे से शेयर करिए, जिनको जरूरत है उनको इस वीडियो के बारे में बताइए। प्लस एप्लीकेशन अगर आप नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। वेबसाइट भी study91.co.in के नाम से, उस वेबसाइट पर भी जाकर के आप चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।